शायद ही कोई ऐसा महीना गुजरता है जब सरहद से शहादत की खबर ना आती हो। लगातार बार बार ऐसा हो रहा है और हर बार हम सिर्फ माथा पीटने से ज़्यादा कुछ नहीं करते। एक बार फिर खबर है दो जवानों की शहादत की। सरहदें खून मांगती हैं ये सच है, लेकिन ऐसी कौन सी बेबसी है हिंदुस्तान की जो हर महीने सीना चाक करने वाला मातम हमें सुनना पड़ता है। शनिवार रात दो घरों के चिराग उजड़े, दो घरों में मातम पसरा, दोनों घरों में शोक है, सदमा है और शिकायत है सरकार से कि सीज फायर उल्लंघन के नाम पर ये सब कब तक। जिला देवरिया, पैदा बांस पर गांव, अखनूर में पाकिस्तान की गोली ने इस गांव के आंखों का नूर छीन लिया। सत्यनारायण यादव 25 साल पहले बीएसएफ में भर्ती हुए थे। तीन बेटों और एक बेटी के पिता सत्यनारायण की शहादत की खबर जैसे ही गांव में पहुंची, चीखों ने इलाके में खबर कर दी कि सरहद पर सत्यनारायण ने देश के लिए प्राणों की आहुति दी। उनको बहुत दुख है कि उन दरिंदों ने मेरे पिता के ऊपर फायरिंग की। मैं भी चाहता हूं कि मैं भी उन दरिंदों को मार सकूं और अपने देश की सेवा कर सकूं। और सरकार से मेरी मांग है कि हमारे पिताजी के शहीद होने पर जिसने उनकी हत्या की है उन लोग के साथ भी कार्रवाई की जाए। बीएसएफ में 25 साल से नौकरी कर रहे हैं और जवानों के और सैनिकों के लिए, पूरे जवान को लिए सुरक्षित कर रहे हैं, देख रहे हैं। इसके लिए 125 करोड़ हमारी आबादी है भारत की जनता की। इसके लिए योगी और मोदी से आग्रह करता हूं, क्योंकि बीएसएफ और आर्मी और पूरे बटालियन को छूट दिया जाए। हमारे जवान 10-15 जवान डेली हर महीने में मारे जाते हैं। क्यों मारे जाते हैं? क्योंकि हमारे पास हर चीज है, हर व्यवस्था है। इतनी व्यवस्था को लेकर क्यों हमको इतने जवान हमारे मारे जा रहे हैं? कुछ बाकी नहीं बचा सिवाय यादों के, लेकिन आंखों में आंसू समेटे ये लोग फख्र करते हैं अपने लाल पर कि देश के लिए उन्होंने खुद को समर्पित कर दिया। सीमा पर एक और शहादत हुई, फतेहपुर सटी का बाकाओ। सुनिए इस चीत्कार को और महसूस करिए उस दर्द को जो इन लोगों के सीने में दफन है और आंखों से बह रहा है। विजय कुमार पांडे अखनूर में देश की सुरक्षा में तैनात थे। गांव को गर्व था विजय पर, लेकिन ये नहीं पता था कि वो ऐसे आंखों को वीरान करके चले जाएंगे। फतेहपुर के सठी गवा गांव के विजय कुमार पांडे के जिस घर में शुक्रवार तक खुशियां अटखेलियां कर रही थी, वहां अब हमेशा के लिए गम ने घर कर लिया है। बीस जून को विजय की शादी थी, लेकिन 2 जून को वो दुनिया को अलविदा कह गए। पिता खेती करते हैं, भाई कानपुर में नौकरी करते हैं। 2012 में जब विजय ने सेना में जाकर देश की सेवा शुरू की तो गांव में मिठाइयां बटी थी, लेकिन अब मातम है। मैं कानपुर में और मेरी बात नहीं हो पाई थी। क्या बात हुई थी? जैसा कि मासा जी ने बताया, हमारे पास में ये भी है, इनसे बात हुई थी जी। तो इन्होंने बताया कि नहीं, ड्यूटी टाइम पे वहाँ पे 3 लोग थे और ये दो लोग, तीनों लोग छत पे और उसके बाद में सोते समय ड्यूटी के दौरान ही पढ़ाई में बहुत अच्छा था, बाकी सारी फसल सब कुछ उसमें बहुत अच्छा था। जब भी आता था कहता था कभी आओ घूम जाओ, जम्मू घूम जाओ, आओ मिलो आके हम लोगों से। लेकिन अब क्या, आप तो रहा ही नहीं ना देश में, तो देश के नाम शहीद हो गया। भारत सरकार से यही मांग है कि भैया जो भी कोई वैसा अब ठोस कदम उठाए जिससे कि कोई अभी और भी कोई लड़का भाई ना शहीद। तकलीफ पहाड़ सी है और दिलासे दम तोड़ रहे हैं।
सेना में जाने के बाद विजय ने गांव में मंदिर बनवाया था और गांव के लोगों से उनका रावता ऐसा था कि लोग उनके आने की राह तकते थे। लेकिन अब विजय नहीं, विजय का शव आया है। इन शहीदों की चिता की राख तो गंगा में विसर्जित हो जाएगी, लेकिन ये सिसकते लोग दर्द विसर्जन को कहां जाएंगे, कहां पीटेंगे अपना माथा और किससे कहेंगे कि सरहदों की हिफाजत में शीश अर्पित करने वाले इन वीरों की ऐसी कुर्बानी बहुत तकलीफ देती है। देवरिया से सत्य प्रकाश और फतेहपुर से रामचंद्र सैनी, लाइव टुडे। देवरिया के रहने वाले सत्य नारायण यादव शहीद हो गए, जिनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा। उनका शव पहुंचते ही गांव में कोहराम मच गया। परिजनों और गांव के लोगों में सरकार के प्रति काफ़ी नाराज़गी दिखी। दरअसल लोगों की नाराज़गी इस बात पर थी कि ऐसे मौके पर मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे। शहीद सत्य नारायण के भतीजे ने कहा, ऐसी स्थिति देख अब हर कोई सेना में जाने के लिए नहीं चाहेगा। वहीं ग्रामीणों ने देवरिया महीन रोड जाम कर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए और मुख्यमंत्री के आने की मांग की। ऐसा हमारे मुख्यमंत्री 50 किलोमीटर के रहने वाले हैं, हम लोग यही चाहेंगे कि मुख्यमंत्री हमारे दरवाजे पर आए। एक लड़का बड़ा वाला विकलांग है, दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं, छोटे 2-3 हैं, उनकी व्यवस्था किया जाए, शिक्षा व्यवस्था किया जाए, बड़े वाले के लिए कुछ न कुछ किया जाए रोजगार के लिए। वही घर के कमाने वाले व्यक्ति थे और जनप्रतिनिधि से तो हमें घोर निराशा हुई है। हमारे प्रदेश जनपद के 2-2 मंत्री हैं, क्षेत्र के विधायक हैं, वो अभी लेकिन तक नहीं अभी आया तक कोई दरवाजे पे नहीं आया। ये हाल सिर्फ इस शहीद के घर का नहीं है, ऐसा कई जगह हुआ है जहां पर शहीद का शव पहुंचा और मुख्यमंत्री नहीं पहुंच पाए। सीएम के नहीं पहुंचने पर लोगों ने काफ़ी दुख जताया। उनका कहना था, उनकी मांग थी कि ये कोई छोटी घटना नहीं थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां नहीं पहुंचे।